हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आईफोन में जब रिंगर की प्रॉब्लम आती है तो हम इसके रिंगर की प्रॉब्लम को कैसे हम ठीक करें। ठीक है, तो आपके पास कोई भी फ्रेंड आईफोन हो तो ज़्यादातर आईफोन में देखना, सब आईफोन में जो रिंगर हमारा होता है वो रिंगर हमारा नीचे होता है इस साइड। यहाँ रिंगर होता है, यहाँ पर चार्जिंग जैक होता है, यहाँ पर माइक और यहाँ पर हेडफोन जैक। तो हमेशा रिंगर हमारा इस साइड होता है, आईफोन 5 हो या आईफोन 5S हो, कोई सा भी हो, सब आईफोन्स में आपको रिंगर इसी साइड ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको अगर बाई चांस आपके फ़ोन में आवाज़ कम आ रही है, बिल्कुल कम आ रही है, फटी फटी आवाज़ आ रही है या बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है, तो इस कंडीशन में आपको करना क्या चाहिए। तो फ्रेंड, लोग सोचते हैं कि इस कंडीशन में हमारा जो रिंगर होता है वो ख़राब हो गया होगा। तो मैं आपको एक बात बता दूँ फ्रेंड कि आईफोन में रिंगर ख़राब बिल्कुल नहीं होते हैं, बिल्कुल भी। 100% में सिर्फ 99% रिंगर जो सही निकलते हैं, बाकी तो चांस ही नहीं कि रिंगर ख़राब हो। तो ये आवाज़ कम कैसे आती है? ठीक है, जो आवाज़ कम आना, आवाज़ फटके आना, बिल्कुल स्लो आना, ठीक है। तो अगर बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है तो रिंगर ख़राब होगा। अगर रिंगर में से आवाज़ आ रही है, फटी फटी आ रही है, कम आ रही है, तो इसका इलाज क्या है? ठीक है, चलिए मैं इसको बताता हूँ कि क्या करना है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो होती है स्पीकर, यहाँ पे जो रिंगर होता है हमारा, रिंगर यहाँ पे जाली होती है, तो वो जाली एक बार आप अच्छे से बाहर से क्लीन कर लीजिए। ठीक है, ब्रश से या स्क्रू ड्राइवर से हल्के हल्के, यहाँ से कोनों से इसमें जो भी होता है सामान, इसको आप निकाल लीजिए यहाँ से। ठीक है, उसके बाद जब भी फिर भी आवाज़ आपकी कम, मतलब कम आ रही है, ठीक है, फिर भी एकदम कम है, एकदम स्लो है, कैसी भी है, जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो इस कंडीशन में आपको एक काम करना है, इसको अगर यहाँ से नहीं हुआ है, इधर से नहीं हुआ क्लीन, कोई सा ही फ़ोन हो, अगर क्लीन करने से यहाँ से आवाज़ बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं आया, तो आपको क्या करना है, आपको फ़ोन को ओपन करना है। ठीक है, जो उसकी डिस्प्ले होती है, यहाँ से दो स्क्रू खोल ले रहे हैं, यहाँ से आपको फ़ोन को, अब आपको फ्रेंड फ़ोन को जो है कि ओपन करना है, यहाँ से इधर से ओपन करेंगे एक साइड से, सारे फ़ोन हमारे इधर से ही ओपन होते हैं, तो यहाँ से इसको इस तरह से आपको ओपन करना है। ठीक है, ओपनर से या नाखूनों से किसी से भी आप ओपन कर सकते हो, तो इस तरह से इसको ऊपर उठाना है आराम से। ठीक है, ऐसे आपको इसको ऊपर उठाना है, ठीक है, इस तरह से आपको इसको ऐसे ऊपर उठाना है। ठीक है, तो इस जगह देखिए, यहाँ पे हमारा रिंगर है, तो आईफोन में सभी फ़ोनों में आपको रिंगर नहीं मिलता है, तो आपको यहाँ से इस रिंगर को खोलना है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले आप क्या करना है, आपको बैटरी कनेक्टर जो हमारा होता है उसके ऊपर निकाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको पत्ता होता है चार्जिंग का, उसको भी निकाल लीजिए। अगर बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है तो ये पत्ते का भी दिक्कत होता है, कि पत्ता में जो स्पीकर का होता है कनेक्शन जो होता है वो पत्ते से होता है। ठीक है, तो इस तरह का आपको स्पीकर दिखाई देगा, जो रिंगर। ठीक है, अब क्या करना है, जब आपने उसको देख लिया ना, जब क्लीन करके नहीं हुआ, तो यहाँ से आपको ये स्क्रू खोलने, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से चार पाँच स्क्रू होते हैं, यहाँ से ही खोल देना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे नेटवर्क की वायर को निकाल लेते हैं, तो इस तरह से, तो ये हमारा फिर रिंगर बाहर आ गया। ठीक है, ये तो ये हमारा रिंगर है, यहाँ देखिए, ये यहाँ से जो हमारी की आवाज़ आती है, लेकिन यहाँ से हमारा कोई रोल नहीं बनता कि इसको क्लीन करें या कुछ करें, ये ख़राब नहीं होते। तो दिखाता हूँ आपको करना क्या है, जब आपने स्पीकर निकाल लिया, ठीक है, स्पीकर निकालने के बाद आपको देखिए यहाँ पर ये दो पॉइंट है, ये जो दो पॉइंट दिख रहे हैं आपको इस साइड, यहाँ पर ये स्पीकर में टच होते हैं, जो यहाँ के जो पॉइंट हैं, जो ये लगे हुए हैं गोल्डन कलर के जो पॉइंट हैं, वो इसमें टच होते हैं, तो ताकि हमारा स्पीकर वर्क करता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ठीक प्रॉब्लम कैसे, कम की प्रॉब्लम ठीक कैसे होगी। देखिए यहाँ पे इस साइड ये जाली लगी हुई है, तो यहाँ पे जाली है, तो फ्रेंड आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, थोड़ा फ्रेंड मेरा कैमरे की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, तो मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे एक जाली है, तो जाली ही आपको चेंज करनी है। ठीक है, जाली इस तरह की है, मैं निकाल देता हूँ, तो अभी फ्रेंड मैं निकाल नहीं रहा इसको, ये चिपकी हुई है, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जो आपको तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी आपको रिंगर की दिक्कत आती है, इसमें रिंगर की आवाज़ बिल्कुल कम आ रही है, बिल्कुल स्लो आ रही है, तो यहाँ पे जाली होती है, उस जाली को आप निकाल दीजिए, उसकी बल्कि दूसरी जाली लगा दीजिए। अगर जाली निकाल भी दो, कोई दिक्कत नहीं, निकाल दीजिए, तो आवाज़ ऑटोमेटिकली बिल्कुल तेज़ हो जाएगी। ठीक है,
तो जाली जो फ्रेंड यहाँ पर लगी होती हैं, जालियाँ होती हैं, वही जो डस्ट वगैरह होती है, मट्टियाँ मट्टी होती है जो ख़राब होती है, फट जाती है, तो जाली की वजह से होता है। तो आप यहाँ से जाली निकाल दीजिए, स्पीकर लगा दीजिए, तो आवाज़ आपकी प्रॉपर वर्क बिल्कुल तेज़ हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको एक बार जाली पड़ी हुई है कोई दूसरे फ़ोन की, तो जाली यहाँ पर दोबारा लगा दीजिए और स्पीकर रख दीजिए ये वाला, उसके बाद आप इसको चलाइए, तो आपकी 100% कह रहा हूँ, 100% क्या 200% कह रहा हूँ, आपका प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगा और आवाज़ जो है कि बिल्कुल पहले की तरह क्लीन हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। अगर आप फ्रेंड आज मेरा वीडियो यही था कि मैं आपको रिंगर के ऊपर बताऊं कि रिंगर की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है। और आप ये बात ध्यान रखना कि रिंगर बहुत से आईफोन में रिंगर ख़राब नहीं होते, खाली जाली ही होती है, जाली ही ख़राब होती है, ठीक है। तो आप जाली चेंज करना। अगर आपको फ्रेंड मेरी वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। कोई भी आपके मन में क्वेश्चन या डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं, और मेरे सारे सोशल मीडिया हैं, वेबसाइट है, उन सबको आप चेक कर लीजिए, फॉलो करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।